फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक्स मैग्नेट। आज हम डिस्कस करेंगे आईयूसी के रिलेटेड, जो इसका सपोर्ट पॉइंट रहेगा, क्या इसका रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा मंडे को। तो मंडे के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे 22 अगस्त के लिए। प्लस एक चीज़ हम और डिस्कस करेंगे, क्या इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पर इसमें सेल अपॉर्चुनिटी है, क्या आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्या आपका टारगेट रहेगा, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में कुछ देर तक बस बने रहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारे मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारा शो कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट गई है, इसी रेजिस्टेंस की वजह से मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया है। उसके बाद मार्केट अगेन यहाँ पे नीचे आई है। जो हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है हमारा 73.70 का हमारा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक होता है तो यहाँ से आप बाय साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। फर्दर आगे टारगेट्स के लिए एक रुपये का टारगेट आपने रख लिया, उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ से अगेन मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में जाता है, नीचे की साइड में ब्रेकआउट देता है, तो आप बेफिक्र होकर आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं, जिसका नेक्स्ट टारगेट इसके अकॉर्डिंग हमारा जो रहेगा 52.15 का, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में जाता है तो नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट बन रहा है 70.71 का हमारे यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एंड अगेन बाय साइड आपको प्लान करना है तो सपोर्ट पे आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा कि ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दे रहा है कि नीचे की साइड में। अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दे रहा है तो बाइंग के लिए, और अगेन हमारे यहाँ पे 72 का टारगेट, और अगेन नीचे के लिए तो कम से कम 1 रुपये का टारगेट आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग है, मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दिया। बात रही स्टॉप लॉस की, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो इसके नीचे थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पे लेना है तो आप देख सकते हैं यहाँ से कहीं भी जो रेजिस्टेंस है वो उसने क्रॉस नहीं किया है। तो इस रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर मान लो कि अगर मार्केट बाद में वीक भी देती है, कई बार होता है कि यहाँ से एम पैटर्न बनाती है, देख रहे मार्केट ने कई बार ऊपर की साइड में वीक देखी फिर मार्केट नीचे आ जाती है, तो कम से कम आप ऊपर मतलब 20 से 25 पैसा तक आप ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ताकि मार्केट अगर एक छोटी सी वीक भी जाती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो और आपका टारगेट अचीव हो जाए इसके अकॉर्डिंग। बाकी बात कर लेते हैं मार्केट की हालचाल में, क्या इसका मार्केट है। बाकी काफ़ी बहुत अच्छा शेयर, ट्रेंडिंग शेयर मेरा आईओसी का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इसके जो स्ट्रेंथ है 8 स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस 5 है, अपॉर्चुनिटी 3 है, थर्ड इसका 1 है। ऑलमोस्ट जो कंपनी है हमारी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव कंपनी है। प्लस आप देख सकते हैं आज का जो सिनेरियो, आज तो पूरे निफ्टी 50 डाउन पड़ी हुई थी, आज का लगभग 1 से 1.5% मतलब पूरे मोस्टली शेयर जिसमें डाउन ही थे। देख सकते हैं 72.15 पे माइनस पे है, जो क्लोजिंग दी है 0.69%। आप यहाँ पे सिनेरियो चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके मार्केट की कैपिटलाइजेशन की, तो 1.02 करोड़ है, तो काफ़ी अच्छा इसका हमारा मार्केट की कैपिटलाइजेशन है। प्लस लास्ट 5 डेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं 1.05% इसमें हमारा पॉजिटिव है, ये देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा अभी 5 दिन के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, बट लास्ट 1 मंथ के अकॉर्डिंग तो मार्केट यहाँ पे नेगेटिव शो हो रही है। एंड अगेन मार्केट में आज का क्या देख सकते हैं, यहाँ पे जो आज का सबसे लो बनाया है 71.80, हाई बनाया 72.75, ये है मार्केट का पूरा यहाँ पे रेंज। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है यहाँ पे मार्केट में आज के ट्रेड हुआ है, बट जो यहाँ पे क्लोजिंग देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ पे मार्केट ने आज की क्लोजिंग दी है, यानी कि हाफ से हाफ ही है, बोले तो नेगेटिव में दिया है। बात कर सकते हैं इसके आप फाइनेंशियल स्टेटस के लिए, तो क्वार्टरली जो हमारा फाइनेंशियल आया है उसके अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू है वो हमारा इंक्रीज हुआ है, 2.23 करोड़ का है, बोले तो 93.43% का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। बट जो नेट इनकम है वो हमारा थोड़ा सा लॉस हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट एक महीने से गिर रही है। तो गिर रहे आप, मार्केट गिरे या ऊपर जाए, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जा रही है तो आप यहाँ से कर लीजिए सेल और नीचे कर लीजिए बाय, आप शॉर्ट सेल करके प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो बस वो चीज़ है, तो आपके लिए तो काफ़ी अच्छा, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए तो होल्डिंग वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कि मान लो कि किसी ने यहाँ पे बाय किया, अब ऊपर जाए तो इसको प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो लॉस हो जाएगा। आपके लिए तो अच्छा, ऊपर सेल टू बाय भी कर सकते हैं, बाय टू सेल भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो 102.27% का इसका मार्जिन है, जो कि हमारा नेगेटिव ही शो कर रहा है। प्लस बात करते हैं ये कुछ पिवट्स लेवल के पॉइंट है, देख सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर द डे कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्राइस रेंज ऑफ द प्रीवियस ट्रेडिंग डे। तो उसके अकॉर्डिंग है कुछ, ये फिबोनाची है, कैमरेला के अकॉर्डिंग क्लासिक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शो कर रहा है फर्दर डेट्स के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, प्लस लाइक कर लीजिए, एंड कीप ट्रेडिंग, बुक योर प्रॉफिट्स एंड एंजॉय द मनी। और एक चीज़ आपको जरूर कहना चाहूँगी, कभी भी अगर आपका प्रॉफिट शो हो रहा होता है, आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस लेवल पे है या सपोर्ट लेवल पे है, तो आप वहाँ पे एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी आप बुक कर लेना, क्योंकि कई बार होता है कि मार्केट रिवर्स हो जाता है और वो सारा का सारा प्रॉफिट आपका चला जाता है। एक्चुअली मेरे साथ भी कई बार हो चुका है, इसीलिए मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ कि अगर प्रॉफिट हो रहा है, टारगेट का 80% भी अगर आ रहा है, मान लो मेरा टारगेट 1 रुपये और 80 पैसे का मेरा प्रॉफिट अभी शो हो रहा है, तो हाफ क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट, उसके बाद आगे वेट कर सकते हैं कि हमारा पूरा टारगेट भी जा सकता है। प्रोबेबिलिटी क्या है तो वेट कर सकते हैं, तो हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर देना चाहिए, तो उसके अंदर अगर लॉस भी होगा तो ज़्यादा नहीं होगा, एटलीस्ट हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो काफ़ी अच्छा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, बुक योर प्रॉफिट्स एंड एंजॉय योर प्रॉफिट्स। थैंक यू।